आज मथुरा नगर निगम के वार्ड संख्या 48 सतोहा असगरपुर में पूर्व प्रधान के निवास पर आज भाजपा के नेता व पदाधिकारियों ने बूथ सशक्तिकरण को लेकर बैठक की। इस बैठक में मंथन किया गया कि भारतीय जनता पार्टी अपने बूथ को किस तरीके से मजबूत बना सकती है, और इस दौरान भाजपा नेताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो 5 साल कार्य करती है और समय समय पर बैठक आयोजित की जाती है और कार्यकर्ताओं को मजबूत बनाकर केंद्र और राज्य सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको जनता के बीच पहुंचाया जाए ताकि आम जनमानस को योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। इस बैठक में मथुरा भाजपा के महानगर मंत्री राजवीर चौधरी प्रमुख रूप से मौजूद रहे, साथ ही पार्षद लक्ष्मण सैनी भी बैठक में सम्मिलित हुए। और इस दौरान लक्ष्मण सैनी ने कहा कि हमारा बूथ जितना मजबूत होगा उतने ही अच्छे वोटों के साथ हमारी सरकार बनती रहेगी, चाहे वो केंद्र में बने चाहे वो राज्य में। इस दौरान तमाम पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बैठक की जा रही है बूथ सशक्तिकरण को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? आज बैठक वार्ड नंबर 48 सतोहा में हमारे पूर्व प्रधान जी बीरेन्द्र सिंह के निवास पर की जा रही है। बूथ सशक्तिकरण के लिए हमारा बूथ मेरा बूथ सबसे मजबूत उस सरपंच में बैठक की जा रही है। हम ये चाह रहे हैं कि हमारा बूथ हर जो कार्यकर्ता है जिसको जो वोटर को निकालता है वो बूथ ही निकालता है। जैसा बूथ मजबूत होगा तो प्रदेश में और देश में हमारी सरकार बनती रहेंगे और हमारा कार्यकर्ता सुख और समृद्धि से कार्य करता है। आज ये जो पहचान श्री नरेंद्र मोदी ने दी है आज इस बूथ की बूथ शक्ति की वजह से आज हमारे प्रदेश में आज सरकार बनी है। भारतीय जनता पार्टी एक भारतवर्ष में ऐसी पार्टी है जिसके कार्यकर्ता निरंतर काम करते रहते हैं। बाकी और पार्टियों में आपने देखा होगा वो चुनाव के समय पर ही सिर्फ निकलते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे 5 साल अपनी मेहनत और लगन के साथ जनता के बीच जाकर कार्य करता है। आज जो बैठक सतोहा में हो रही है बूथ सशक्तिकरण अभियान, अपने बूथ को कैसे मजबूत बनाया जाए, बूथ मजबूत होगा बूथ जीता चुनाव जीता, ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। अपने बूथ को बिल्कुल सशक्तिकरण बनाया जाए, अपने कार्यकर्ताओं को बिल्कुल सशक्त मजबूत बनाया जाए जिससे हमारी केंद्र और प्रदेश की जो जनकल्याणकारी योजनाएं हैं उनको आम जनमानस को पूरा लाभ मिल सके और आम जनमानस उन योजनाओं का लाभ उठा सके। आज इस बैठक में कौन कौन शामिल है? इसमें हमारे मथुरा महानगर के महामंत्री श्री राजवीर चौधरी जी अभी आ रहे हैं, इसमें मंडल अध्यक्ष और मंडल के पदाधिकारी और बूथ के कार्यकर्ता इसमें मौजूद हैं।